धन्यवाद आज इस कक्ष में उपस्थित पवन जी, सभी शिक्षक। इस अवसर पर गुरु के उपलब्धि में, गुरु ख्याति में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को नमन करते हुए मैं आप लोगों के बीच कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ करके भूली हैं। तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कुछ अपने अनुभव में विचार आप लोगों के बीच में शेयर करूँ, ताकि उनका फायदा आप लोग आने वाले जो बच्चे हैं आपके क्लास में उन तक जरूर पहुँचाएँ। बहुत अच्छा हो गया, लगभग 14 वर्ष हो गया मुझे यहाँ, और जब से हमने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद पढ़ाने का जब अवसर मिला तो कभी छोटे क्लासों में पढ़ाने का अवसर नहीं मिला। हमने स्टार्टिंग की तो उच्च शिक्षा से, सीधे हमने बीए बीटी से डीएलएड एमए बीएड इन सारी क्लासों में ही हमने अपने जो क्लासें ली है, छोटी क्लास में हमने कभी पढ़ाया नहीं है। जब हम बीएड की ट्रेनिंग करते थे उसके बाद से फिर कभी अवसर नहीं आया कि हम इंटर के नीचे की कक्षा में पढ़ाएं। लेकिन फिर भी हम जब बीएड के डीएलएड के बच्चों को, बीटीसी के बच्चों को हम ट्रेनिंग देते थे, तो वहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और इस समय जहाँ पर भी बच्चों को मारना भी उचित नहीं है, डांटना भी उचित नहीं है, किस तरह से टेक्निक से बच्चों को पढ़ाया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो बताएं उसको प्रतीक करें, ग्रहण करें बच्चा। और बीएड में थोड़ा सा और लेवल ऊपर करके बताना पड़ता है क्योंकि बच्चे बड़े हों। तो जहाँ तक हम लोगों ने अनुभव किया कि कोई भी शिक्षक को कितना भी उसको आता हो, कितना भी वो अपने विषय में माहिर हो, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब उसका तब है कि जो वो पढ़ा रहा है सामने वाले बच्चे कितना वो समझ पा रहा है। अभी दो शिक्षक हैं, एक शिक्षक पढ़ाता तो बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा समझ में आता है, दूसरा पढ़ाने जाता है तो बच्चे बोलते बड़ा बोरिंग है। ऐसा क्यों? कहानी सुनाता हूँ, लिखा कपिल देव और सुनील गावस्कर। तभी इंडियन क्रिकेट टीम में दो प्लेयर होते थे, गावस्कर जी और एक कपिल देव। कपिल देव भी बहुत हाइट में लंबे थे और गावस्कर भी बहुत छोटे। अब नजरिया देखिए, एक बॉलर बॉलिंग करता है जिसके कपिल देव बहुत अच्छा सिक्सर मार देते हैं और वही बॉल गावस्कर के ऊपर से बाउंस हो जाती है, समझ पा रहे हैं? मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, हम जो बॉलिंग कर रहे हैं बच्चों के बीच ऐसी बॉलिंग ना करें कि बाउंसर हो जाए पहले, और वो बाउंसर ना जा रहे वो बॉल, बच्चा उसको हिट करे, इसका मूल्यांकन कैसे होगा? बालक को ये नापना पड़ेगा ना कि बच्चे की हाइट कितनी है और कितनी तेजी से मुझे बाल पटकनी है। कपिल देव के लिए तो खूब पटकी, लेकिन गावस्कर के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, ज्यादा पटक देंगे तो ऊपर नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों को चेक करना पड़ेगा आपको कि बच्चे जो समझ है उसका लेवल कहाँ तक है, और अगर हमने उसके लेवल से ज्यादा उसको देने की कोशिश की तो फिर वो मेटिंग कर देगा, वो ले नहीं पाएगा, फिर बाउंस हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा। पढ़ाते समय इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाना चाहिए।
अभी भी हम लोग क्लास लेते हैं तो यही देखते हैं कि पता लगता है कि बच्चा एमए करने जा रहा है, बहुत बेसिक चीज़ें उसको पता नहीं होती है, जबकि पीजी लेवल में तो सीधे डायरेक्टली पढ़ाया जाता है और बच्चे को पता लगता है अभी इंटर वाली चीज़ें पता नहीं है। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो पहले टटोलते हैं कि हाई कहाँ, फर्स्ट टाइम सिलेबस में ही पढ़ाना शुरू किया, हम उसको टटोलते हैं कि सब्जेक्ट्स में ये इस लेवल पे, फिर धीरे से उसको वहाँ से पुश करते हैं, तब धीरे से उसको आगे तक ले। हो सकता है कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके यहाँ संख्या ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, छोटे बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल होती है समझाना बताना ठीक करना, लेकिन कुछ ना कुछ प्रयास हमारे द्वारा इस तरह से किया जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% ये चीज़ें फॉलो होती, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें एज अ टीचर थोड़ा सा भी हम आप चेक करके काम करें तो शायद उसका रिजल्ट बेहतर। और मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। चाहे वो सुधी मैम का सेल्फ रियलाइजेशन हो या अंजलि मैम का सेल्फ अवेयरनेस हो, सब लोगों ने अपनी बातें रखी, बट सेल्फ रियलाइजेशन वहीं हमें भी लागू होगा क्योंकि हमें कोई क्रिएट न करें नाम रखें तो अपने साधना की बात रखनी चाहिए। थैंक यू।